नमस्कार मित्रों, सी पी के एजुकेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में न्यूज़ लेके आए हैं, नई रीट भर्ती में वेटेज क्या होगा, रीट की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, पूरी न्यूज़ आपको इस वीडियो में ऑफिशियल दी जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस यूट्यूब चैनल पर हर भर्ती की अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम देखते हैं आज की पूरी ऑफिशियल न्यूज़। देखिए मित्रों, स्क्रीन पर पूरी ऑफिशियल न्यूज़। 31,000 शिक्षकों की भर्ती में वेटेज 90 और 10% होने के आसार, यानी अब जो नई भर्ती होगी उसमें वेटेज है 90-10 का होगा। यानी जो पिछली जो रीट भर्ती हुई थी उसमें वेटेज था 70-30 का था। अब सरकार ने इस वेटेज को चेंज कर दिया है, यानी अब वेटेज है 90 और 10 का होगा। चुनावों के कारण अटकी भर्ती, यानी चुनाव के कारण वह शिक्षक भर्ती अटक गई है। आचार संहिता के बाद जारी होगी विज्ञप्ति, यानी चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद प्रदेश में जो आचार संहिता है वो भी हट जाएगी, उसके बाद इसकी विज्ञप्ति है वो जारी होगी। यानी मोटे तौर पर समझ सकते हैं दिसंबर में तो प्रदेश में चुनाव है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी है इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस भर्ती की मंजूरी नहीं दी गई, इसलिए अब ये भर्ती की विज्ञप्ति है चुनाव के बाद ही जारी होगी। प्रदेश के बेरोजगारों की नौकरी इस बार आशा संहिता में उलझ गई है। राज्य सरकार ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए विज्ञप्ति जारी करने की पूरी तैयारियां कर ली थी। अब सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, जो अब केवल आचार संहिता है उसी के कारण भर्ती अटकी हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी तैयारियां हैं, यानी अब चुनाव खत्म होने के बाद इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। हर 5 साल में बदल जाते हैं भर्ती प्रक्रिया के नियम। राजस्थान में ये नियम है कि हर 5 साल में भर्ती प्रक्रिया के नियम बदल जाते हैं। प्रदेश में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5 साल में नियम बदल दिए जाते हैं। कभी आरटेट तो कभी रीट के जरिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों की जो भर्ती होती है, स्थायी नीति नहीं होने की वजह से तैयारी भी प्रभावित होती है। अब तक प्रदेश में जिला परिषद के जरिए आरपीएससी व रीट के अंकों के आधार पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। अब ये जो भर्ती होगी वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा, और जिसमें वेटेज होगा वो 90-10 का होगा, और जो नई भर्ती में कुछ वर्गों को अंकों में छूट भी मिलेगी, और कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया है। आपको ये न्यूज़ अच्छी लगती है, इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।